महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। बहुत से महारथियों ने इस युद्ध में भाग लिया। आपने महाभारत में इंद्रप्रस्थ का नाम भी बहुत बार सुना होगा। इंद्रप्रस्थ भी एक कारण माना जाता है महाभारत के युद्ध का। महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। क्या आप जानते हैं इंद्रप्रस्थ का नाम वर्तमान में दिल्ली है। जब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से हट किया कि उसे ही हस्तिनापुर का युवराज बनना है, हालांकि ये ज्येष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर का हक था और एक राज्य के दो दो युवराज होना संभव नहीं। यही कारण रहा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को खांडवप्रस्थ दिया, जो कि बहुत बड़ा विशाल बन था, और कहा तुम वहां के राजा बन जाओ। और ऐसा ही हुआ, दुर्योधन हस्तिनापुर का युवराज बनाया गया, युधिष्ठिर को खांडवप्रस्थ मिला। पांडवों ने श्री कृष्ण की मदद से खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदला। पांडवों ने खांडवप्रस्थ को एक स्वर्ग के समान बना दिया। इंद्रप्रस्थ नगरी बहुत ही सुरक्षित मानी जाती थी। कहा जाता है कि इंद्रप्रस्थ को दुश्मनों का एक भी बाण खरोंच नहीं सकता था। इंद्रप्रस्थ को उन्होंने हस्तिनापुर से भी सुंदर बना दिया। बाद में दुर्योधन ने छल से इंद्रप्रस्थ को हासिल भी किया, लेकिन श्री कृष्ण के साथ धर्म की राह पर चलकर पांडवों ने कौरवों से लड़कर अपने सारे अधिकार और अपना राज्य वापस लिया। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई वो सच नहीं मानते हैं, वो भी सच मानने लगेंगे। पुरातत्व विभाग के अनुसार दिल्ली के पुराने किले के अंदर महाभारत काल के बहुत से अवशेष मिले हैं, जो कि यह गवाही देते हैं कि महाभारत एक सच्ची घटना है। भारतीय पुरातत्व विभाग कहता है ये अवशेष 3800 साल पुराने हैं। कुरुक्षेत्र, जो कि अब हरियाणा में स्थित है, वहाँ पर भी महाभारत के युद्ध के अवशेष मिलते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार यहाँ पर काफ़ी हजारों साल पुराने धनुष और बाले के अवशेष मिले हैं। आज भी अवशेषों की खुदाई चल रही है। पुरातत्व विभाग के अनुसार बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के सामने आना बाकी हैं। अगर और बात करें तो मथुरा नगरी, जो कि श्री कृष्ण का जन्म स्थान मानी जाती है, श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारकर मथुरा छोड़कर द्वारिका बसाई थी, जो अब गहरे समुंदर में है। वहां पर समुंदर में एक नगरी के डूबे होने की बात सामने आती है। हमारी संस्कृति के अनुसार ये कोई और नगरी नहीं, बल्कि ये श्री कृष्ण की बसाई हुई द्वारिका है। हमें आज ऐसे बहुत से अवशेष मिले हैं जो हमें ये मानने को मजबूर करते हैं कि महाभारत एक सच्ची घटना है। इसे झूठ बोलना बिल्कुल गलत है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।